तो आइए दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एयरफोर्स 2019 की जो एग्ज़ाम हुई है उसी की रिज़ल्ट के बारे में कि आप लोगों का रिज़ल्ट कब आएगा और इसका कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा और सभी जानकारी प्रमाण के साथ में दूंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा। तो देखिए, आप लोगों का जो रिज़ल्ट है यह रिज़ल्ट आएगा 15 से 20 अक्टूबर के बीच में, और इसमें भी एक डेट है उसी दिन को आएगा। तो चलिए बता देता हूँ, 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आप लोगों का रिज़ल्ट जो है 18 अक्टूबर को आएगा। 18 अक्टूबर को, मतलब कि लगभग संभावना है कि 18 अक्टूबर को ही आएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं एक क्यों कह रहा हूँ कि आप लोगों का रिज़ल्ट जो है 18 अक्टूबर को ही आएगा। तो देखिए दोस्तों, एयरफोर्स का है जो आज तक इतिहास रहा है कि एयरफोर्स अपना रिज़ल्ट जो है एग्ज़ाम होने के 25 डेज आफ्टर, मतलब कि 25 दिन बाद नहीं, 25वें दिन जारी करता है। देखिए, आपको प्रमाण के रूप में मैं पिछले रिज़ल्ट के लिए चलता हूँ। देखिए, यह एयरफोर्स का जो 1/2/2020, मतलब कि 2019 का पहला एग्ज़ाम था, उसका रिज़ल्ट है, उसका डिटेल से देखिए। इसका एग्ज़ाम जो है 14 से 17 मार्च 2019 में हुआ था। देखिए, एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 14 से 17 मार्च, और इसका रिज़ल्ट जो है देखिए यहाँ पे 9/4/2019 9 अप्रैल को पब्लिश हुआ था। इस प्रकार एग्ज़ाम समाप्त होने के, मतलब कि 17 मार्च से जोड़िएगा तो आप 17 मार्च से 9 अप्रैल तक 25 दिन पुग जाता है, हो जाता है। तो इस प्रकार आप लोगों का रिज़ल्ट जो है इस बार 18 अक्टूबर को आएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो आप लोगों का आपकी इस बार का जो कट ऑफ है वह कट ऑफ 2019 का जो फर्स्ट वाला कट ऑफ था इससे थोड़ा कम रहेगा। क्यों, तो आइए बताते हैं हम आपको। पहले देख लीजिए, 2018 का जो सेकंड एग्ज़ाम था उसका कट ऑफ ग्रुप एक्स का 27.75 था और वाई का 32.75 था, और 2019 का जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, जो कि अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ, जो मार्च में हुआ था, उसका फर्स्ट का 36.25 था और एक्स का 36.25 था और ग्रुप वाई का 37.25 था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो 2019 का सेकेंड एग्ज़ाम है इसका कट ऑफ कितना रहेगा। तो इस बार का देखिए दोस्तों, इस बार का इसका कट ऑफ जो है, ये 2019 का जो फर्स्ट वाला कट ऑफ है इससे थोड़ा कम रहेगा, मतलब कि 1-2 मार्क कम रहेगा। तो इस प्रकार मान के चलिए कि आप लोगों का एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ है, मतलब कि 34-36 रहना चाहिए, 34 से 36 रहना चाहिए, और वाई ग्रुप का जो कट ऑफ है वो भी पिछले वाला जो 2019 का फर्स्ट एग्ज़ाम था इससे थोड़ा 1-2 नंबर कम रहना चाहिए। इस प्रकार यह जो है 35 से 37 मार्क्स रहेगा, 35 से 37। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कम रहेगा, तो देखिए दोस्तों, अब की बार का जो एग्ज़ाम हुआ है इसका थोड़ा क्वेश्चन का लेवल था 2019 के फर्स्ट वाला एग्ज़ाम से, जो कि मार्च में हुआ था, उससे थोड़ा टफ था। तो इस प्रकार कट ऑफ भी थोड़ा कम जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों, जिन लोगों का आप लोगों का अगर ग्रुप एक्स भरे हैं और एक्स में आप लोगों का 34 से 36 आता है तो आप नेक्स्ट तैयारी में लग जाइए, और वाई वाले का अगर 35 से 37 आता है तो आप फिजिकल की तैयारी में आप लोग लग जाइए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए न्यूज़ लाते रहता हूँ। और हाँ, रिज़ल्ट का भी मैं इस चैनल पे आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा जब रिज़ल्ट आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।